बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लेव वेक्टर में खुश आमदीद। अमरीका की ग्रेविटी नामी कंपनी के सीईओ ने अपनी तनख्वाह में कमी करके तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह $17,000 कर दी। मुलाजमीन का काम ना करना और बास औकात वो मुलाजमा छोड़कर उन इदारों में भी चले जाते हैं जिनसे कारोबारी मुसाबकत होती है। दरअसल मुलाजमीन उन्हीं इदारों में दिल लगा कर और मेहनत से काम करते हैं जहाँ उनको मतलूबा माहौल और तमाम सहूलियात मिले और इनकी कदर की जाती हो। मुलाजमीन की कदर करने वाला अमरीकी कंपनी ग्रेविटी पेमेंट्स का सीईओ डैन प्राइस है, जिसने अपनी तनख्वाह कम करके मुलाजमीन की तनख्वाह कई गुना इजाफा कर दिया। डैन प्राइस को 2015 में अपनी कंपनी की एक खातून मुलाजमा से बात करने का मौका मिला तो उन्हें पता चला कि 40,000 डॉलर माना तनख्वाह के बावजूद उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है क्योंकि उनके सीटल में रिहाइश बहुत महंगी है। मस्कूरा खातून महंगाई के बाइस अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में कफारत नहीं कर पा रही थी और बाज और कर्जे में दस्ती जा रही थी। इसलिए डैन प्राइस ने फैसला किया कि अपनी तनख्वाह जो लाखों डॉलर में थी में कमी करके अपने मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम $17,000 कर दी। सीईओ के इस इकदाम पर दो सीनियर मुलाजमीन ने ये कहते हुए सिफा दे दिया, इससे मुलाजमीन में बेफिक्री और नाइली पैदा होगी और कंपनी को नुकसान होगा, जबकि दूसरी कंपनियों ने तनकीद का निशाना बनाया लेकिन डैन प्राइस ने इसकी परवाह नहीं की। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के बाद 10% मुलाजिम सेटल्ड जैसे महंगे इलाके में अपना घर बनाने में कामयाब हो गए, जबकि कंपनी को भी पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा क्योंकि तमाम मुलाजमीन ज़्यादा लगन और मेहनत से काम शुरू कर दिया और कुछ मुलाजमीन ने दफ्तर के करीब भी रिहायश इख्तियार कर ली ताकि दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our Still there. Careful, still there. Still there. Outside, outside.